की साइकिल शायद छूट न जाए हम लोगों से, लग रहा था छूट न जाए, लेकिन ऊपर वाले की मन्नत और आपके आशीर्वाद की वजह से साइकिल दोबारा आपके पास है। और मैं कहता हूं, और मैं कहता हूं, जो सम्मान नेताजी का है वो देश की राजनीति में किसी नेता का इतना बड़ा सम्मान नहीं है। और हम आज जितने लोग यहां बैठे हैं ये सब नेताजी के सिपाही हैं। सोचो सरकार बन जाए दोबारा और 300 सीट वाली सरकार बनेगी तो सबसे ज्यादा अगर खुशी किसी को होगी तो आपके नेताजी और हमारे नेताजी को खुशी होगी। मेरे साथियों इस बार 300 का मामला है और 300 का मामला कैसे, अगर साइकिल के साथ साइकिल के हैंडल के साथ हाथ जुड़ गए। अब सोचिए आप, आजकल आप टीवी पे देखते होंगे एक पत्थर वाली सरकार के मुखिया दिखाई देती होंगी आपको, पता नहीं क्या हो गया टीवी में नजर आ रही है आजकल, और ज्यादा टीवी में दिखाई दे रही है, लेकिन उनका हावी लखनऊ के बारे में हम बता रहे हैं आपको, जो लखनऊ में हावी लगे थे अब तो 9 साल हो गए, जो खड़े हाथी हैं अभी भी खड़े हुए हैं, जो बैठे हाथी हैं वो अभी भी बैठे हुए हैं, और बैठे वाला खड़ा ही वो खड़ा वाला हाथी अभी तक बैठा नहीं। तो क्या उम्मीद करोगे पत्थर वाली सरकार से? कोई उम्मीद नहीं कर सकता पत्थर वाली सरकार पर। कह रहे नगरी नहीं है नदी, अरे भाई तुम्हारी तो नगरी की आदत पुरानी है, कौन नहीं जानता बहुजन समाज पार्टी के बारे में, उनके लोगों ने कितना नुकसान किया है हमारे उत्तर प्रदेश का, पूरा पैसा बर्बाद कर दिया। और वही दूसरी पार्टी जो दिल्ली वाली पार्टी है, जो झूठे वादों के साथ दिल्ली सरकार में पहुंच गए, सरकार बना ली और उन्होंने क्या वादा किया था अच्छे दिन, बताओ अच्छे दिन कहीं सुल्तानपुर में तो नहीं छिपे हुए हैं, कहीं आपके बीच में कोई तो नहीं छिपा अच्छे दिन वाला।